क्या नाम है सर अपना? अभिषेक कुमार। अभिषेक जी, अभी जो आपके हाथ में ये कागजात हैं, इसको देखकर लगता है करीब करीब 10 प्रश्न आप कह रहे हैं कि एसटीटी 2023 में गलत है शारीरिक शिक्षा की परीक्षा में, और ऐसे ही अन्य अभ्यर्थी भी, विभिन्न विषय के अभ्यर्थी भी परेशान हैं। और आप तो कल तक उत्तीर्ण थे और आज आप अनुत्तीर्ण घोषित किए गए, तो ऐसे में क्या कहेंगे इन गलत प्रश्नों पर, क्या हुआ? जी, इन गलत प्रश्नों पर मैं कहना चाहूँगा कि कल तक मैं ये समझता था कि 10-12 जो भी क्वेश्चन गलत है, बीएसईबी ने इन क्वेश्चनों को साइड में रखते हुए अपना रिजल्ट दिया है, जैसे कि 140-38 पे कट ऑफ निकाल करके मतलब ये दिया है, रिजल्ट दिया है। लेकिन जब हम लोगों का फिर से कल रात को रिजल्ट में नॉट मतलब क्वालिफाइड आया, तो हम लोग को ये समझ में आया कि ये 150 पे निकाला, तो 150 पे निकाला है, तो चाहे तो ये 10 नंबर का जो क्वेश्चन गलत है उसका नंबर दे, अन्यथा ये जो 10 क्वेश्चन गलत है ये हटा करके 140 135 जो भी सही क्वेश्चन है उस पे ही मतलब कट ऑफ बनाया जाए। क्या गलत क्वेश्चन है? कुछ ऐसे अचंभे वाले क्वेश्चन भी हैं, आप थोड़ा रूबरू कराइए। जी बिल्कुल, मैं आपको ये क्वेश्चन दिखाना चाहूँगा कि देखिए, ये 32 फरवरी 1938 में बिहार में निर्वाचित सरकार ने किस कारण से त्यागपत्र दिया था, तो मैं ये क्वेश्चन के बारे में ये पूछना चाहूँगा, क्या कभी 32 फरवरी होती है? जी, अगर 32 फरवरी नहीं होती है तो फिर ये क्वेश्चन गलत है। एक क्वेश्चन में तो अपशब्द भी है, वो दिखाइए। जी बिल्कुल, अपशब्द भी है। जी, ये आप देखिए कि कितना गंदे तरीके से इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ेंगे तो अजीब लगेगा। क्या लिखा है? जी, प्राचीन ओलंपिक खेल में खेलों को किस पैरालंपिक देवता के सम्मान में धार्मिक उत्सव का हिस्सा बनाया गया था? जी, तो ये ऑप्शन में इसका ज्यूस होगा, लेकिन ज्यूस लिखा गया, ज्यूस होगा पर जूज लिखा गया है। आप समझिए कि अब शब्द अगर इसको माना जाए तो बिहार में जूज को लोग गाली कहते हैं, लेकिन ये गलत है और इसको बीएससी भी गलत नहीं मानती। आपके स्क्रीन पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं, साफ लफ्ज में जूज लिखा हुआ है, जूज नहीं होना चाहिए, ज्यूस होना चाहिए, और ग्रीस देवता की बात हो रही है। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम शिव शंकर कुमार हुआ। ये आप जो हाथ में क्वेश्चन लिए हुए, कितने क्वेश्चन गलत हैं आपकी नज़र में? तो ऐसे तो 8-10 है, लेकिन मैंने निकाला एक दो निकाला जी, है ना, मेरे पास अभी एक है अवेलेबल जो कि लिखा हुआ क्वेश्चन है, पैरालंपिक समिति द्वारा कितने प्रकार की प्रतियोगिता की अनुमति दी गई है, तो किताब में बुक में भी लिखा हुआ है 22, है ना? आप किताब भी लाए हैं? जी, आप देख सकते हैं इनके हाथ में किताब में भी है। ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों में 22 खेलों की, शीतकालीन में और पैरालंपिक में 6 खेलों, मतलब 22 खेलों की अनुमति दी गई है, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन में है 22, मगर दिया हुआ आंसर, लेकिन आंसर दिया गया, दिखाइए ठीक से सामने लाकर दिखाइए, आंसर शीट आया तो 10 दिया गया है, लेकिन 22 होना चाहिए। आप देखिए कि क्वेश्चन किताब से भी अभ्यर्थी दिखा रहे हैं कि 10 दिया गया जबकि 22 है, और ये कहीं ना कहीं आम अभ्यर्थियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। जब गलत पूछा जाता है तो गलत का इनको मुआवजा भी मिलना चाहिए, और ये नहीं हुआ, ये गलत है। हमारे साथ जो अभ्यर्थी थे आपने उनको सुना, और कहीं ना कहीं ये मांग बहुत जायज़ है। आपने देखा 3 क्वेश्चन तो आपके सामने हम लोगों ने दिखाया, इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन पर हम लोग बात नहीं कर सकते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, पर उच्च अधिकारियों से हम कहेंगे, बीएसईबी के साथ, शिक्षा विभाग के साथ, शिक्षा मंत्री से भी कहेंगे कि इन सभी गलत प्रश्नों को, करीब 6 गलत प्रश्न, और इस वीडियो में आगे हम उन गलत प्रश्नों को भी अलग से आपको दिखाएंगे। पर अभ्यर्थियों को आप देख रहे हैं रात के 10 बजने को, और अभी अभी ये हमारे पास पहुंचे, और ये जिस हालात में पहुंचे हैं, इन्होंने इनका कहना है कि 2 दिन से ये ठीक से खाना नहीं खा रहे जब से रिजल्ट सुना है, और इस तरह के हालात जब उत्पन्न होते हैं तो कहीं ना कहीं बेरोजगारों के साथ मजाक होता है। आपने भी गलत प्रश्न देखा, 32 तारीख फरवरी में क्या हो सकता है, फरवरी में तो 28 के बाद तारीख ही नहीं होता, और लीप ईयर जब 29 होता है, 4 साल के बाद 1 साल ऐसा आता है जब ऐसा होता है, तो वो भी गलत। और इसके अलावा जो अपशब्द का इस्तेमाल किया, ज्यूस देवता को जूज देवता लिखा गया, आप समझ सकते हैं कि ये क्या हो रहा है। हंसी भी आती है और दुख भी है अभ्यर्थियों के रुआसा चेहरा देख करके। आगे हम आपको प्रश्नों से रूबरू कराएंगे।